हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह। तो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम एंड डिस्कस कर रहे थे पहला यूनिट बेसिक इंटरनेट स्किल्स। दोस्तों, ये है तीसरा लेक्चर इस सब्जेक्ट का। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन दो लेक्चर में हम लोगों ने बात की है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को नेटवर्क क्यों कहा जाता है, फिर इंटरनेट के यूजेस क्या है, WWW इसके बारे में भी डिस्कस किया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने वेब ब्राउज़र डिस्कस किया था, वेब ब्राउज़र कैसे कैसे काम करता है उसकी हिस्ट्री भी देखा था, एग्जाम्पल्स भी देखा था, प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स का क्या रोल होता है, फिर सर्च इंजन का एग्जांपल भी देखा था। एंड आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस दो क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज डिजिटल इंडिया पोर्टल। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है। देखो दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी ऑफिशियल काम हमें ऑफिस में जाके करना पड़ता था। ओके, इसके लिए हमें चक्कर काटना पड़ता था, बहुत बार चक्कर काटना पड़ता था। हमें फॉर्म जो है लेके सबमिट करना पड़ता था, उसको फिलअप करके, फिर भी काम नहीं होता था, फिर दोबारा, तीसरी बार, ऐसे करके बहुत बार हमें करना पड़ता था, तभी जाके काम जो है हमें मिलता। ओके, तभी जाके हमारा काम हो पाता था। तो इसे क्या होता था कि हमारे जो इंडियंस है, ठीक है, ये जो लोग हैं हमारे भारत में, भारतवासी जितने भी हैं, तो इसमें से ज़्यादातर जो पुअर एंड एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा हैरानी होता था, ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ये लोग सुविधाएँ नहीं पाते थे। ठीक है, तब जाके ये एक प्रोग्राम लिया गया, एक डिसीज़न लिया गया कि चलो अब जो है हम लोग काम को जो है धीरे धीरे डिजिटली करेंगे, ताकि हर लोग जो है, जो भी हमारे इंडियंस है, जो भी भारतीय लोग हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा ऑफिस के चक्कर काटना ना पड़े, ये लोग अपने नज़दीकी कोई कंप्यूटर सेंटर से या फिर घर बैठे मोबाइल के सहारे भी ये काम जो है कर पाए। ठीक है, ताकि सुविधा जो है हर एक घर में पहुंच जाए, जो सर्विसेज है, जो इंडिया गवर्नमेंट हम लोगों को सर्विसेज देगा, वो हर घर में पहुंच जाए एंड ज़्यादा हैरानी भी ना हो। ठीक है ना, ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल। इसका मेन टारगेट क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है उसको डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि हमारा जो ये नेशन है, ये जो जाति है, उसका क्या हो, विकास हो। ठीक है ना, तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है लिया गया था, एंड इसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज जो है पढ़ने वाले हैं। डिजिटल इंडिया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, डिजिटल इंडिया पोर्टल। पोर्टल इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम में ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये वाला प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया पोर्टल इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म India into a digitally empowered society, into a digitally empowered society and knowledge economy. ठीक है, सो दिस इज द डिजिटल इंडिया पोर्टल डेफिनेशन। डिजिटल इंडिया पोर्टल इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो हमारे जो इंडिया है, ठीक है, उसको डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करने का एंड इकोनॉमी को नॉलेजफुल बनाने का जो ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल। अब इस डिजिटल इंडिया पोर्टल का पर्पस क्या है, क्यों इसको अपनाया गया, क्यों इसको लागू किया गया, पर्पसेस
ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल, ठीक है, पर्पसेस ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो पहला पर्पस क्या है, कनेक्टिंग द पीपल ऑफ मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास सर्विसेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है कि हमारे इंडिया में जो भी मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली है, जिसका इनकम बहुत ही कम है, मिडिल एवरेज है, तो उन लोगों को कनेक्ट करने का एंड उन लोगों को एक वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है, ये है पहला उद्देश्य। क्योंकि पहले क्या होता था, जो लो इनकम ग्रुप है, जो गरीब होते थे एंड जो मिडिल क्लास फैमिली होते थे, उन लोगों को उतना ज़्यादा सुविधाएं मिल नहीं पाता था, क्योंकि ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में जो ऑफिसर रहता था, ठीक है, वो जो है वीआईपी पर्सन को पहले क्या देता था, चांसेस देता था, ठीक है, आप गरीब है तो आप पीछे रहिए भाई, ये वीआईपी है, ठीक है, स्पेशल पर्सन है तो इसको आगे ले आइए, ओके, रिच फैमिली से है तो फिर डेफिनेटली आगे, बिजनेसमैन है तो आगे, पैसा वाला लोग है भाई आगे, गवर्नमेंट सर्विस करता है तो आगे रहो, ठीक है, बाकी जो गरीब लोग हैं, जो जो हमारा क्या है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, फार्मर है, तो उन लोगों को पीछे धकेल दिया जाता था, वो लोगों को उतना ज़्यादा सुविधा जो है मिल नहीं पाता था। तो ताकि उन लोगों को भी सुविधाएं मिल पाए जो कि गवर्नमेंट दे रहा है सुविधाएं, तो इसके लिए पहला ये हो गया हमारा एक इनिशिएटिव, ठीक है, यही है हमारा पर्पस डिजिटल इंडिया पोर्टल का पहला पर्पस। दूसरा क्या है, एनेबलिंग द कस्टमर्स टू गेट डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ सर्विसेज टाइप्स ऑफ सर्विसेज some more technology enabled mechanism and delivery system, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एनेबलिंग द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स कौन है यहाँ पे, जो भी सर्विसेज को लेगा वो सभी के सभी कस्टमर्स है, ठीक है, ओके, क्रेता जिसको हम लोग कहते हैं, क्रेता, ओके, टू गेट डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड का मतलब है बहुत तरह के सर्विसेज, ओके, सर्विसेज थ्रू सम मोर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मैकेनिज्म एंड डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो भी कस्टमर्स है, जो भी क्रेता है, जो भी सर्विस को लेगा, ठीक है, ताकि उनको और भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म एंड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू और भी कई तरह के सर्विसेज मिल पाए, ठीक है, बहुत तरह के स्कीम्स गवर्नमेंट हमारा लॉन्च करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत तरह के स्कीम्स जो है क्या करता है, लॉन्च करता है हर ईयर, तो ताकि सारे लोग जो है, ठीक है, जो लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिलीज है, ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को भी तरह तरह के सर्विसेज मिल पाए एक टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म
के द्वारा, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, ताकि ये लोग जो है और भी सर्विसेज को अच्छे तरह से ले पाए। तो ये है हमारा दूसरा पर्पस, ठीक है, दूसरा पर्पस। एंड तीसरा पर्पस, तीसरा पर्पस क्या है, द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, द इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आर क्रिएटेड टू आर क्रिएटेड टू द वास्ट ऑडियंस, टू द वास्ट ऑडियंस, टू द वास्ट ऑडियंसेस विच कंट्रीब्यूट्स लॉट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, लॉट ऑफ ग्रोथ टू लॉट टू टू ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है। जो तरह तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, ठीक है, जो तरह तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आविष्कार, ओके। एंड जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं कि आपका कोई भी एक आईडी कार्ड गलत हो गया है, तो आपको इसके लिए फिर से चक्कर मारना पड़ेगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो आपको फिर से चक्कर मारना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है कि जो पुअर फैमिली से होता है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, उन लोगों के जो आईडी कार्ड्स होते हैं, उन लोगों के आईडी कार्ड्स में ज़्यादातर मिस्टेक्स देखा जाता है कि नाम, एक आईडी में नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, दूसरे आईडी में नाम थोड़ा सा अलग हो गया है, पिताजी का नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी बहुत तरह के मिस्टेक्स जो है देखा जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, ताकि वो पहुंच पाए वास्ट ऑडियंस में, बहुत सारे लोगों में, ताकि ये पहुंच पाए, ज़्यादातर लोगों में पहुंच पाए। एंड इससे क्या होगा कि सब लोगों का जो सारे चीज़ें हैं वो अगर ठीक ठाक रहे, ओके, सारे सुविधाएं अगर सब लोगों को मिल पाए, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं ना, हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अगर सुविधाएँ टाइम पर मिल पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे नेशन को, हमारे इंडिया को और भी आगे ले जा सकते हैं, ग्रोथ हो सकता है हमारा इंडिया का और भी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सभी इनिशिएटिव है, ये सभी पर्पस है डिजिटल इंडिया पोर्टल का, ताकि सारे सुविधाएं जो है हर किसी के पास पहुंच जाए, ठीक है, मेनली यही कुछ पर्पस है। अब हम लोग देखेंगे कि सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू, क्या क्या सर्विसेज हमें मिल पाते हैं, तो उनमें से कुछ सर्विसेज यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया जो पोर्टल है या फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पर्पस क्या क्या है, तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। वैसे तो हम लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन लैंग्वेज पे भी तो हमें लिखना पड़ेगा, उसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, ओके, वरना मार्क्स तो नहीं मिलेगा। आप लोग अगर ऐसे इधर उधर की बातें लिख देंगे तो आपको तो मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्त, तो आपको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास आईटी की कोई किताब है तो वहाँ पर भी आपको ये सारे नोट्स जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। और भी कई तरह के पर्पसेस हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपना नोट खुद से बना के जो है लिख सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट जो है टोटली थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, कुछ मैथ्स आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि नंबर सिस्टम से होता है, ओके, एंड बाकी पूरा ही थ्योरी सब्जेक्ट है। एंड इसीलिए मैं सारे टॉपिक को जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लिखाऊँगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ पाए, ओके, चलो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया पोर्टल, ठीक है, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया पोर्टल, ओके। द सर्विसेज आर एज फॉलोस, तो पहला क्या है, पैन कार्ड प्रिपरेशन, ठीक है, पैन कार्ड सर्विस,
सीधी बात लिखते हैं, पैन कार्ड सर्विस। तो पैन से रिलेटेड, पैन पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो हर किसी के पास इंडिया में, हर किसी के पास जो लोग सर्विसेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हर किसी के पास ये एक कार्ड होता है, एक आईडी है, ठीक है, जिससे कि आपके जो फिनेंशियल स्टेट्स है वो गवर्नमेंट को पता चले, ठीक है ना। पैन कार्ड सर्विसेज, अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसको उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कहाँ से पता चलता है? पैन कार्ड से पता चलता है, क्योंकि पैन कार्ड जो है हमारे बैंक के साथ रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये डिटेल्स जो है ये मिल जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम लोग डिजिटल इंडिया पोर्टल से पैन कार्ड जो है, नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, पुराने पैन कार्ड जो है उसका डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे काम जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, फिर हो गया हमारा आधार कार्ड सर्विस। तो आधार कार्ड तो आप लोग जानते हैं, तो ऑनलाइन ही हम लोग जो है आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका करेक्शन अपडेट जो भी है वो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलो तीसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, ओके। तो पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए हमें इलेक्ट्रिक ऑफिस जाना पड़ता था, एंड वहाँ पे एक लंबा सा लाइन रहता था, लाइन पे खड़े होकर बिल जो है सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम लोग घर में बैठ के मोबाइल से इलेक्ट्रिक बिल जो है क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, तो कितना आसान हो गया देखो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद चौथा क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। तो कार का इंश्योरेंस या फिर बाइक का इंश्योरेंस जो भी हो वो हम लोग घर पे बैठ के जो है कर सकते हैं, ठीक है। फिर पांच नंबर पासपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो पासपोर्ट के लिए भी हम लोग ऑनलाइन ही घर पे बैठ के जो है अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो प्रोसेस होगा जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ही होगा, लेकिन हम लोग अप्लाई जो है यहाँ पे कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता है या फिर ऑफिस से आता है, ओके। पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है तो आपका यहाँ पे घर पे पुलिस आता है, तो फिर ये वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, आपका पासपोर्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो और भी है बहुत सारे सर्विसेज, तो कुछ बहुत सारे लिख लेते हैं हम लोग। फिर हो गया जीएसटी सर्विस, ठीक है। जीएसटी जो टैक्स होता है, गुड सर्विस टैक्स, ओके। तो ये भी हम लोग जो है घर पे बैठ के इसका हम लोग सबमिट कर सकते हैं, टैक्स फाइल कर सकते हैं, आईटी रिटर्न कर सकते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी काम है घर पे बैठ के ऑनलाइन ही हम लोग करते हैं, ओके। चलो तो और भी है बहुत सारे सर्विसेज, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ये भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये वोटर आईडी कार्ड जो है जब आपका 18 इयर्स हो जाएगा, ओके, तो आप लोग नागरिक बन जाएंगे, एडल्ट नागरिक, ठीक है, आप मतदान जो है कर सकते हैं, वोट जो है आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग लाएंगे, रूलिंग पार्टी बनाएंगे, ठीक है, कौन सा नेता को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग वोट जो है दे सकते हैं, ओके। तो वोटर आईडी कार्ड भी हम लोग ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो चालू हो गया है, ठीक है। चलो और भी करते हैं इधर, ये आठ नंबर शॉपिंग पोर्टल हो गया, तो घर पे बैठ के हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर 9 नंबर जो है मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, ऑनलाइन बैंकिंग, चलो यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग कर सकते हैं। 10 नंबर मोबाइल डीटीएच रिचार्ज,
ठीक है, गैस सिलेंडर बुकिंग पेमेंट सर्विसेज, ओके। तो गैस सिलेंडर बुकिंग भी कर सकते हैं, उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। फिर होता है जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल एडुकेशन पोर्टल, ताकि हम लोग एडुकेशन से रिलेटेड जितने भी है, जैसे कि फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, ठीक है, फिर फीस पेमेंट, ये सारे काम भी हम लोग ऑनलाइन घर पे बैठे जो है कर सकते हैं। हम लोग कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज का काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, आपको खुद जाना पड़ता था कॉलेज में, कॉलेज में जाके आपको फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे लाइन पे रह के आपको ये काम करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं होता, अब हम लोग घर पे बैठे ही, कई 100 किलोमीटर दूर कॉलेज अगर है तो घर पे बैठ के ही सारा काम हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो इतने सारे सर्विसेज जो है हमें देता है डिजिटल इंडिया पोर्टल, मतलब देखो कि हमारा जो पूरा सोसाइटी है अब धीरे धीरे डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड यही जो है पर्पस था हमारा डिजिटल इंडिया पोर्टल का, ठीक है दोस्तों। चलो अब कुछ हम लोग डिजिटल इंडिया के कुछ इनिशिएटिव को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव, कुछ मेन फंक्शन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको सर्विसेज पूछा जाए तो आप लोग ये सारे जो है लिख सकते हैं, ठीक है, 8-10 चिपका के दे दीजिएगा बस। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग डेफिनेटली 8-10 चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल है, ओके। तो अब कुछ सर्विसेज को जो है हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सम सम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने AEPS का नाम सुना होगा, AEPS का नाम सुना होगा, AEPS नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। ये है आधार एनेबल्ड, आधार एनेबल्ड, एनेबल्ड BLED पेमेंट सिस्टम AEPS, ओके। तो अब जो है पैसा बैंक से निकालने के लिए हमें बैंक पे जाना नहीं पड़ता, ओके, बैंक में जाना नहीं पड़ता। बैंक के छोटे छोटे ब्रांच हो गया है, ठीक है, छोटे छोटे ब्रांच हो गया, CSC सेंटर हो गया है, ओके, कॉमन सर्विस पॉइंट CSP जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोगों को सिर्फ क्या देना पड़ता है, ये उंगली का स्कैन करना पड़ता है, ठीक है, ओके, उंगली का स्कैन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आधार से कनेक्ट होता है, एंड आधार बैंक से कनेक्ट होके वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन चला जाता है, एंड हम लोग पैसा जो है निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए बैंक पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होता है, ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा सिस्टम है, बैंक में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग बैंक में जाए बिना जो है पैसा उठा सकते हैं। एंड आप लोग कहेंगे कि सर फिर तो ATM भी हम लोग बैंक में ATM में जाते हैं, लेकिन देखो जो गांव के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो लोग ATM भी चलाना नहीं जानते, क्योंकि ATM पे भी क्या होता है, इधर हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, बंगाली में लिखा होगा। तो देखो ऐसा ऐसा लोग है जिसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग कैसे ATM यूज़ करेगा, बोलो, ठीक है, कैसे ATM यूज़ करेगा। तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम हो गया, कॉमन सर्विस पॉइंट हो गया, ठीक है, जहाँ पे वो लोग जाते हैं, उंगली उंगली देते हैं ऐसे, एंड पैसा निकल जाता है। तो उन लोगों को क्या विड्रॉल फॉर्म जो है वो भी भरना नहीं पड़ता। अगर बैंक में जाएंगे तो फिर विड्रॉल जो फॉर्म होता है उसको भरना पड़ता है, तभी जाके तो हम लोग बैंक में उठा पाएंगे ना। तो इसीलिए देखोगे अगर बैंक में कभी गए हो तो देखोगे कि जो गाँव के लोग होते हैं वो आपसे पूछेगा, बाबू ये थोड़ा सा लिख के दो ना,
ठीक है, ऐसे पूछता है। तो अब जो है उतना ज़्यादा होता नहीं है अब, क्योंकि वो लोग जो है उंगली से ऐसे पैसा उठा सकता है। ओके ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा एक इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा ये पर्पस है, ठीक है ना। चलो तो इसके बारे में हम लोग लिख भी सकते हैं, चलो इसको लिख देते हैं। इट इज़ अ पेमेंट सर्विस एम्पावरिंग ए बैंक कस्टमर टू यूज़ आधार एज हिज हर आइडेंटिटी टू एक्सेस हिज और हर रिस्पेक्टिव आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट एंड परफॉर्म बेसिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो वो पैसा उठा सकता है यहाँ से। आधार को यूज़ करके वो अपने बैंक जो अकाउंट है यूज़ कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है एंड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम लोग बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा किसी को सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है, बेसिक ट्रांजेक्शन, हम लोग ऐसे आधार के मदद से, अपने फिंगरप्रिंट के मदद से जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा बात करते हैं हम लोग नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन यूजिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडुकेशन पे काफ़ी बदलाव लाया गया है, काफ़ी सुधार लाया गया है एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो खुल गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। ओके, ये काफ़ी एक बड़ा सा एक इनिशिएटिव है। तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं ई ग्रंथालय। तो यहाँ पे हम लोग जो किताबें हैं ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, किताब हम लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, ये गवर्नमेंट से एक प्रोग्राम है ई ग्रंथालय, तो यहाँ पे जाके हम लोग जो है किताबें पढ़ सकते हैं, तरह तरह की किताबें यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर आ गया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम लोग GIS भी कहते हैं। ओके, GIS भी कह सकते हैं। चलो फिर उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये जो स्कीम था प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो यहाँ पे हर किसी को जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने की परमिशन था, ठीक है, मतलब हर कोई बैंक अकाउंट खोल सकता है, जीरो पैसा लगेगा।
पहले क्या होता था, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए एक मिनिमम बैलेंस लगता है, मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है, वो चाहे 500 हो, 1000 हो, लेकिन लगता था। ओके, अब ये स्कीम आने के बाद क्या हो गया कि आप लोग जीरो बैलेंस में भी अकाउंट जो है खोल सकते हैं, बिना कोई पैसे के आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे आप लोग 50 रुपये रखें, 100 रुपये रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग फ्री में जो है यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में, हर कोई खोल सकता है इंडिया का। पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना, JDY, PMJDY, ओके, ठीक है। और भी कई तरह के इनिशिएटिव हैं, ऐसे स्टेप्स है, जैसे आप लोगों ने भीम का नाम सुना होगा, भीम का नाम सुना होगा, ओके, फिर उड़ान का नाम सुना होगा, उमंग का नाम सुना होगा, उड़ान, UDAAN, उमंग, ये सभी डिजिटल इंडिया पोर्टल के ही क्या है बोलो, इनिशिएटिव्स है, ठीक है ना। ओके, डिजिटल इंडिया पोर्टल के ही ये इनिशिएटिव्स है, जैसे कि आपका फार्मर पोर्टल हो गया, फिर ई हॉस्पिटल, ई ग्रीटिंग्स, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, हमारा डिजिटल इंडिया पोर्टल के इनिशिएटिव्स है। तो धीरे धीरे ऐसे करके जो है तरह तरह के स्कीम्स निकाल के हमारा जो सोसाइटी है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि सारे सुविधाएं जो है जनसाधारण में वो पहुँच सके। ओके, ये है डिजिटल इंडिया पोर्टल का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, एंड काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में बिल्कुल सुविधाएं जो है नहीं मिल पाता था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जो था जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे भी ऑफलाइन करना पड़ रहा था, ओके, ऑफलाइन करना पड़ रहा था, एंड कॉलेज में जाके लाइन लगा के फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा था, एंड क्या सारे काम लाइन लगा के ही करना पड़ रहा था, बैंक में जाओ वहाँ पे भी लाइन, कोई जॉब का अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वहाँ पे भी लाइन, तो बहुत बार मैंने लाइन दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पे बैठ के मैं कंप्यूटर के सामने जो है कंप्यूटर में बैठ के सारे काम कर सकता हूँ, तो इतने सारे सुविधाएँ जो है हमारे जेनरेशन को अभी मिल रहा है। ओके, अगर हम लोग सही से सारे ये जो इनिशिएटिव्स है डिजिटल इंडिया पोर्टल का ये सभी इस्तेमाल करें तो हम लोग और भी आगे जो है जा सकते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं जो है हम लोग घर में बैठ के हमें मिल जा रहा है, तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ अब हम लोग मेहनत कर सकते हैं किसमें बोलो, हमारे करियर को बिल्ड करने में, ताकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो नेशन है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ होता रहे। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज यहाँ से अगर डिस्कस करने जाए तो बहुत सारे स्कीम्स है, ऐसे स्कीम्स का नाम लेते लेते मैं थक जाऊँगा, ठीक है, लिखते लिखते थक जाऊँगा। तो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ रखना है अपने दिमाग में कि ये डिजिटल इंडिया पोर्टल होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, इनमें से कुछ सर्विसेज को हमें पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ सर्विसेज को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना है, बस इतना सा हमें पढ़ना है। ओके, ठीक है। और आप तो देखो स्टेट पोर्टल का नाम तो सुना ही होगा, हर एक स्टेट में अपना अपना पोर्टल होता है, उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना पोर्टल होता है, अपना अपना वेबसाइट होता है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट का अगर DM के पास अगर आप लोग कुछ भी काम पे जाते हैं तो आप ऑनलाइन भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, तो ये सारे आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए स्टेट पोर्टल खोला गया है। एंड कॉलेज पोर्टल भी होता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना पोर्टल होता है, हर एक बोर्ड का अपना अपना, यूनिवर्सिटी का अपना अपना पोर्टल होता है, जैसे कि हमारा अगर बात करें पॉलिटेक्निक का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोर्टल है, मतलब अलग अलग बोर्ड के अलग अलग अपना अपना क्या है बोलो, अपना अपना वेबसाइट है, अपना अपना पोर्टल है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी काम होगा, जैसे कि फॉर्म फिलअप, जितने भी नोटिस आएगा, ओके, हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एडमिट निकाल सकते हैं, वहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ये सारे काम क्या हो रहा है अब जो है उसी पोर्टल में हो रहा है। तो इस तरह के कई सारे पोर्टल है, बहुत सारे पोर्टल्स है, ठीक है, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोर्टल खोला गया है। ओके, तो ये सारे क्या है, सुविधाएं है, ये सारे सर्विसेज है जो कि हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड ये कब आया, जब से डिजिटल इंडिया पोर्टल चालू हुआ है तब से ये चीज़ें जो है धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, एंड उतना जो है हमारा मेहनत पहले जो लगता था अब नहीं लग रहा है, ईजिली हमें सर्विसेज मिल रहा है, तो ऐसे ही जो है हमारा इंडिया बढ़ता रहेगा। एंड अगर हम लोग ये सारे स्कीम्स को, ये सारे सुविधाएं को, सर्विसेज को अच्छे तरह से यूज़ कर पाए तो डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे। ओके, ठीक है ना, सिर्फ लगन लगेगा, मेहनत लगेगा बस।
ओके चलो पूरे सच्चाई के साथ भरेंगे, ईमानदारी के साथ भरेंगे, इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल जो है प्ले करता है, तो इसीलिए नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।